गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैंने द रिवर बैंक स्टोरी पढ़ाया था, आज उसका क्वेश्चन आंसर मैं लिख कर दे रही हूँ, आप लोग इसे कॉपी में नोट करेंगे। व्हाई डिड द मॉल सडनली डिसाइड टू स्टॉप क्लीनिंग एंड कम आउट ऑफ हिज हॉल? सडनली अचानक क्लीनिंग सफाई करना बंद क्यों किया और अपने डिसाइड क्यों किया और अपने हॉल से बाहर क्यों आया? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं लिख दी हूँ, आप लोग इसे कॉपी में नोट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द मोल फील व्हेन ही सो द रिवर फॉर द फर्स्ट टाइम? जब मोल ने पहली बार रिवर को देखा तो उसे क्या फील हुआ, क्या महसूस किया? तो ये क्या महसूस किया, ये मैं आंसर कॉपी में लिखती हूँ, आप लोग इसे नोट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड द वाटर रैट लुक लाइक? वाटर रैट जो था वो कैसा दिखता था? ये क्वेश्चन हुआ थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डिड द वाटर रैट टेल द रिवर? रिवर के बारे में वाटर रैट क्या कहा, उसके बारे में आंसर देना है, इसको मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट डिड द वाटर रैट टेल द मॉल अबाउट द वाइड वर्ल्ड के बारे में द वाटर रैट जो था वह मॉल को क्या बताता है, क्या बोलता है वो लिखा हुआ है। ये तो हो गया आप लोग का क्वेश्चन आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू दिया हुआ है, आंसर दिस क्वेश्चन विथ रेफरेंस इट्स द कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट में जो दिया हुआ है उसके अनुसार उसका आंसर देना है। वुड यू लाइक टू कम ओवर? ये हु सेड दिस वर्ड एंड टू हुम, इस वाक्य को किसने किससे कहा? द वाटर रैट सेड दिस वर्ड टू मॉल, मॉल को कहा वाटर रैट। व्हाट वॉज द लिसनर डूइंग, जो सुन रहा था वह क्या क्या कर रहा था? द लिसनर यानी मॉल वॉज गाजिंग द वाटर रैट, वह वाटर रैट को घूर रहा था। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डिड द स्पीकर डू आफ्टर ही सेड दिस वर्ड? जो कहा कहने वाला है यानी स्पीकर यानी वाटर रैट, तो वाटर रैट, व्हाट डिड द स्पीकर डू आफ्टर ही सेड दिस वर्ड, इस वर्ड को कहने के बाद क्या किया? तो वो क्या करता है, द स्पीकर यानी वाटर रैट देन लाइटली स्टेप्ड इनटू ए लिटिल बोट रोड स्मार्टली क्रॉस द मू एंड मूव्ड क्विकली, ये करता है वो। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट लाइज ओवर देयर? ये वाक्य जो, ये सेंटेंस जो है वो किसने किसको कहा? तो द मॉल आस्क्ड दिस वर्ड टू द वाटर रैट, वाटर रैट को कहा। व्हाट प्लेस ले ओवर देयर? देयर के, देयर किसके, किस को, किस चीज़ के बारे में आया, किस जगह को बता रहा है? देयर, देयर इज प्रेजेंट ऑफ रिवर, रिवर के बारे में, देयर मतलब रिवर के बारे में कहा जा रहा है। हु लिव्ड ओवर देयर? तो द वाटर रैट लिव्ड ओवर देयर, कौन रहता था रिवर पर, तो वाटर रैट। ये तो हो गया आप लोग का क्वेश्चन आंसर। अब ग्रामिकल क्वेश्चंस हैं उसे मैं बुक में ही कराऊंगी, इसलिए आप लोगों को चैप्टर टू में रीड कराऊंगी और उसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। ये तो हो गया फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का, इसे आप लोग कॉपी में नोट करेंगे, ये होमवर्क आप लोग का रहेगा, इस क्वेश्चन आंसर को आप लोग कॉपी में नोट करोगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी विल रीड द चैप्टर टू द चेयर, आप लोगों का चैप्टर टू द चेयर है उसको आज मैं पढ़ाऊंगी। फर्स्ट आप लोग वर्ड मीनिंग देखोगे, वर्ड मीनिंग एक्सेप्ट, फर्स्ट वर्ड है एक्सेप्टेड, एग्रीड टू स्वीकार करना, एटिक, सेकंड वर्ड एटिक, स्पेस और रूम जस्ट बिलो द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग और हाउस, घर के या घर के कमरे में, कमरा जो छत के जस्ट नीचे वाले भाग को जिसे अटारी या छज्जा कहा जाता है। ड्रैगिंग,
पुलिंग अलोन ऑन द ग्राउंड, घसीटना कोई चीज को जमीन में घसीटना। इंडिविजिबल, कैन नॉट बी सीन, जो दिखाई ना दे, अदृश्य। ट्रिकी, नॉट इजी, डिफिकल्ट, कठिन या पेचीदा। सिक्स नंबर है डिटरमाइंड, डिसाइड टू बी समथिंग फर्मली, कोई चीज को निश्चित करना, निश्चय करना, निर्धारित करना। ये तो हो गया आपका वर्ड मीनिंग। अब मैं इस बुक से चैप्टर को रीड कराऊंगी। द चेयर, मैरियो हैड मैनी फ्रेंड्स, मैरियो के बहुत से दोस्त थे। ही वॉज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देम, और उनके बारे में वो हमेशा बात करता था। हिज ग्रैंड फादर सेड, आई बेट यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड एज यू थिंक, मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम्हारे जो बहुत से दोस्त हैं वो सभी दोस्त नहीं हैं। मैरियो एक्सेप्टेड द बेट, मैरियो इस शर्त को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार किया। हाउ कुड ही टेस्ट द फ्रेंडशिप ऑन हिज स्कूलमेट, वह किस तरह अपने स्कूलमेट जो दोस्त हैं उनकी मित्रता का जांच कर सकता है, कैसे कर सकता है। आई हैव एक्चुअली वॉट यू नीड, मुझे सचमुच लगता है कि तुम्हें ज़रूरत है। ऑफ टू द एटिक, एटिक के पास, एटिक में जो है वह तुम्हें ज़रूरत है। ग्रैंड फादर पा वेंट, ग्रैंड फादर गए। ही कैम बैक ड्रैगिंग समथिंग इंडिविजिबल, वह आए घसीटते हुए किसी चीज़ को लाए जो दिखाई नहीं दे रहा था, जो अदृश्य था। टेक इट सेड ग्रैंड पा, ग्रैंड पा ने कहा इसे लो। इट इज़ एन इंडिविजुअल चेयर, यह एक न दिखाई देने वाली कुर्सी है। टेक इट टू द स्कूल, यू विल सी इट मैजिक व्हेन यू सिट ऑन इट, इसे स्कूल लेकर जाओ और तुम देखो, जब तुम इस पर बैठोगे तो इसमें इसका मैजिक देखोगे, जादू देखोगे। इट विल शो यू हु योर रियल फ्रेंड आर, यह तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा रियल फ्रेंड सच्चा मित्र कौन है। बट इट विल बी ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर, लेकिन इस पर बैठना जो है वो बहुत कठिन, इस चेयर पर बैठना बहुत ही कठिन होगा। मैरियो वॉज ब्रेव एंड डिटरमाइंड, मैरियो बहादुर था और वह निश्चय किया। ही टुक द इंडिविजुअल चेयर एंड वेंट टू स्कूल, वह इस इंडिविजुअल चेयर को जो दिखाई नहीं देता अदृश्य चेयर को लेकर जाएगा, स्कूल लेकर जाएगा। एट लंच टाइम, दोपहर के समय, लंच के समय, ही आस्क्ड एवरी वन टू फॉर्म अ सर्कल, वह हर एक को एक जो सर्कल में थे उनसे कहा। आई विल शो यू मैजिक ही सेड, उसने कहा मैं आप लोगों तुम लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडिल, वह अपने आप को बीच बीच में जाता है। विथ हिज चेयर, अपने कुर्सी के साथ। मैरियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर, मैरियो उस चेयर में बैठने की कोशिश किया। हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट, यह बहुत डिफिकल्ट था, कठिन था। ही मिस्ड द एंड फॉल्ट, वह छूट गया, मतलब दिखाई नहीं दिया और वह गिर गया। एवरी वन हैड ए प्रीटी गुड लाफ, हरे वहाँ जितने भी दोस्त थे वे सभी मुस्कुराए। ही ट्राइड अगेन, वह फिर से कोशिश किया, बट कुडंट सीट, लेकिन वह बैठ नहीं सका। ही कैप्ट ट्राइड टू सीट ऑन द मैजिक चेयर, वह फिर से कोशिश मैजिक चेयर में बैठने की कोशिश किया। ही कैप्ट फॉलिंग टू द ग्राउंड, वह फिर से वह ग्राउंड में गिर जाता है। एवरी वन कैप्ट लाफिंग, हर एक जो दोस्त जितने भी वहाँ दोस्त थे वे हंसने लगे। मैरियो थॉट ही विल ट्राई वन लास्ट टाइम, मैरियो सोचा कि मैं एक बार एक लास्ट टाइम अंतिम प्रयास करूँगा। ही क्लोज्ड हिज आइज, वो अपनी आँखें बंद किया। एंड ट्राइड अगेन, और फिर से कोशिश किया। वॉट वॉज दिस, क्या हुआ उस समय, क्या हुआ। ही डिड नॉट फॉल, वह नहीं गिरा। मैरियो ओपन हिज आइज एंड सो हिज बेस्ट फ्रेंड, मैरियो जो है वो अपनी आँखें खोला और अपने बेस्ट फ्रेंड को, सच्चे दोस्त को देखा। जॉर्ज लुइस एंड डायना, ये होल्डिंग हिम अप, ये तीनों दोस्त जो थे वह उन्हें उसे पकड़े हुए थे।
आज मैं इसी यहीं तक आप लोगों को स्टोरी एंड करती हूँ। नेक्स्ट क्लास वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को इससे आगे की स्टोरी पढ़ाऊँगी। आप लोग तब तक इस चैप्टर को रीड करोगे और वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में लिखोगे और याद करोगे। ये आप लोगों का होमवर्क रहा। थैंक यू।